वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमारी आईलैशेस छोटे होते होते ख़त्म हो जाती है और बढ़ती ही नहीं, हमारी आईब्रो में इतना गैप आ जाता है कि हमें उन्हें आर्टिफिशियल तरह से फिल करना पड़ता है, क्योंकि हम बहुत सारे केमिकल लगा रहे होते हैं, जैसे कि मस्कारा, आईलैशेस ग्लू, फेक लैशेस को लगाने के लिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो ये साइड में वीडियो चल रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया यार, आपको सिर्फ पॉइंट समझाने के लिए लगाया है। मेरा सिरम लगाने से इतनी बड़ी तो नहीं होगी, लेकिन फर्क जरूर पड़ेगा। वीडियो को लाइक तो कर दो, प्यार के साथ नरिश करेगा हेयर फॉल को और आपके आईब्रो और आईलैशेस बनाएगा बहुत ही थिक एंड लॉन्ग। सबसे पहले मैं एक बाउल ले लूँगी, उसमें मैं डाल दूँगी फ्रेश एलोवेरा जेल, आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। उसके बाद मैं सेकंड इसमें डाल दूँगी ऑलिव ऑयल, एक चम्मच मीन जैतून का तेल। अगर आपके पास एलोवेरा जेल मार्केट वाला नहीं है, प्लांट वाला है, तो आप वो भी ले सकते हैं। इन दोनों को मैंने अच्छे से मिक्स करा है और अब मैं इसमें थर्ड जो डालूँगी वो डालूँगी स्वीट ऑलमंड ऑयल, जी हाँ बादाम का तेल, वो भी मुझे चाहिए एक चम्मच। बादाम के ऑयल में वो सारे पौष्टिक होते हैं जो बालों को जड़ों से मजबूत करते हैं, उसका भी मैंने एक चम्मच लेके इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। आप यहाँ पर स्वीट ऑलमंड ऑयल लीजिएगा, खुशबू वाला बजाज का नहीं। अब मैं यहाँ पर ले लूँगी विटामिन ई, विटामिन ई कैप्सूल का जो ऑयल होता है वो हमारी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, वो भी आप एक ही इसमें डाल दें। इन सबको अच्छे से मिक्स करें और अब कोई सा भी एयर टाइट कंटेनर लें और उसके अंदर आप स्टोर करके रखें 1 वीक के लिए। रोज़ रोज़ बनाने की झंझट नहीं है, एक हफ्ते तक ये आपका आराम से चलेगा। यहाँ पर हमारा सीरम अप्लाई करने के लिए रेडी है। एप्लीकेशन भी इसकी बिल्कुल ही सिंपल है और इजी है। आपके पास अगर मस्कारा की जो स्टिक आती है जिसे वॉन्ट कहते हैं, अगर वो है तो ठीक, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, एयर बड तो सबके घरों में होता है, आप उसकी हेल्प से भी लगा सकते हैं। एप्लीकेशन लगाना बिल्कुल ईजी है, चलो वो मैं आपको बताती हूँ। अब ये जो हमने सीरम बना के रखा था, ऐसा एक स्टिक लेना है मस्कारे जैसा, विजिबल हो रहा है आपको, ये आपको इजी से कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा। इसके अंदर डिप करें और अच्छे से ऐसे स्वाइप करें और अपने लगा दें, और मेक श्योर ये रात में लगाएं और रात को लगा कर सोए नहीं, आधा घंटा एक घंटा पहले लगाएं। सोने के साथ ये हमारे बिस्तर पर चिपक जाएगा, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसको ब्रश को दोबारा से डिप करें और अपने पलकों पर ऐसे ऐसे आप लगाएं दोनों पलकों पर, क्योंकि कोई बात नहीं, अगर ये वाला ब्रश आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ये बर्ड आता है एयर बर्ड, आप इसके हेल्प से भी अपने आईब्रोज पर ऐसे लगा सकते हैं। उसको डिप करें और अच्छे से ऐसे दोनों साइड से लगा दें और दोबारा डिप करें। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो अक्सर आप करना भूल जाते हैं।